दिल्ली का ओल्ड राजेंद्र नगर जहां राउस आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी का ऐसा सैलाब आया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। यहां इस बेसमेंट में लाइब्रेरी में करीब 35 छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे थे और जैसे ही पानी का रौद्र रूप देखा तो अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि महज 10 मिनट में इतना पानी भर गया कि सांस लेना भी दुश्वार हो गया। और इतना ही नहीं, बेसमेंट से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता जिसके चलते कुछ स्टूडेंट निकल सके जबकि कुछ वहीं पर फंसे रह गए जिन्हें 9 बजे शुरू हुए रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद निकाला जा सका, जिसमें 3 स्टूडेंट की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि छात्रों को निकालने के लिए कड़ी मशक्कत का भी सामना करना पड़ा और एनडीआरएफ को भी बुलाया गया, जिसके बाद एनडीआरएफ ने देर रात तक ऑपरेशन चलाकर तीनों के शवों को बरामद कर लिया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर से बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना सामने आई और आईएएस के कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में अचानक नाले का पानी भर जाने के कारण 3 छात्र अपनी जान से हाथ धो बैठे, जिसमें 2 छात्राएं और 1 छात्र भी शामिल है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि हमने 3 शवों की पहचान कर ली है और जिन छात्रों की मौत हुई है उनके परिवार को भी सूचित कर दिया गया है और इस हादसे के बाद कोचिंग सेंटर के मालिक और कोऑर्डिनेटर को भी हिरासत में ले लिया गया है। दिल्ली की मेयर शैली ओब्राय ने तत्काल संज्ञान लेते हुए एमसीडी कमिश्नर को कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली भर में ऐसे सभी कोचिंग सेंटर जो एमसीडी क्षेत्र में है और बेसमेंट में व्यवसायिक गतिविधियां चला रहे हैं, जो बिल्डिंग उपनियमों का उल्लंघन कर रही है और मापदंडों के अनुरूप नहीं है, उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। हादसे के बाद स्टूडेंट ने एमसीडी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन भी किया है। सुबह एक प्रदर्शनकारी छात्र ने दावा किया कि 8 से 10 लोगों की जाने गई हैं। एमसीडी इसे डिजास्टर बता रही है, लेकिन यह पूरी तरह से लापरवाही का मामला है। आधे घंटे की बारिश में ही घुटने तक पानी भर जाता है, डिजास्टर उसे कहा जाता है, जो कभी कभी होता है। अन्य प्रदर्शनकारी छात्र ने बताया कि दोषियों के खिलाफ तत्काल कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली में बारिश के बाद जलभराव की समस्या देखने को मिलती है, लेकिन दिल्ली सरकार मानसून से पहले बड़े बड़े दावे कर रही थी, जिसकी इस दर्दनाक घटना के बाद पोल खुल गई है। वहीं बीजेपी इसको अब मुद्दा भी बना रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि दिल्ली सरकार इस घटना से क्या सीख लेती है और ऐसे कोचिंग सेंटरों के खिलाफ कितनी सख्ती से कार्रवाई करती है।